और सर मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे दोस्त सबसे पहले उन्होंने मेरे दोस्त है, मैं बोला तो बोला हूँ, गलती किया हूँ तो गलती किया हूँ बोलता हूँ, उसको कुछ सॉरी करना है तो सॉरी बोलता हूँ, मगर मैं नहीं बोला, मैं विद डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देता हूँ 100% वो फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने जो बोल रहे हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल ही अलग है, उन्होंने 10 बेड का हॉस्पिटल उनका लेटर था, सूर्यकांत साहब कुछ चांद सूरज बोल के बोल रहे थे उनके कार्यकर्ता, मैं भी उनकी तारीफ करता हूँ, अच्छे है बोल के। सर सर्वे को लेकर क्या कहेंगे सर, आप दिग्विजय में जो सर्वे बताया गया आपके बारे में वो कहाँ तक सच्चा था सर? नहीं देखिए, अब वो लोग जो बोलना है उन्होंने उनका जो करेंगे, हमारा क्योंकि सिद्धरामैया जी इसके बारे में ऑलरेडी बात करे, सिद्धरामैया कुछ डायरेक्ट वो लोग पूछे हैं सर, आपने उसका आंसर दिए। जी सर, सर आपने परसों सिद्धरामैया साहब जी के सामने कहा है कि यूट्यूबर्स आपको परेशान कर रहे हैं, फिर परसों आपके कार्यकर्ता ने कहा कि वो मास मीडिया है, आप फिर आपने कहा है कि 15 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा, क्या आपने धमकी दिया सर? देखिए क्या है, नहीं सर ये सर्वे ऐसा चल रहा है कि बिदर में ऐसा फैल रहा है कि मास मीडिया वालों को धमकी दे रहा है खुला आम एमएलए साहब। नहीं सब गलत बात है, मैं किसी को मेरे ऊपर कोई इतना भी लोग आरोप लगा दे मेरा फुल सपोर्ट रहेगा उनको, अगर कोई ऐसा कार्यकर्ता मेरा अगर उनको कोई बोल दिया या किधर से भी फोन भी आया या ऐसा सीरियस एक्शन लूंगा। पर आजम ने कहा है कि मास मीडिया वाले ऐसा ये कर रहे हैं, नहीं उन्होंने क्या बोले पता नहीं, आपके कार्यकर्ता है ना सर? नहीं, क्या कोई जोश में आके कुछ बोल देता है, अगर उन्हें गलत सलत बोला है तो मैं उनसे माफी मांगने लगाता हूँ, मेरा एक नेचर है मैं कभी किसी को कितना भी हमारे को बोले दे भाई, हमारा बहुत बड़ा स्थान है, हमारा बहुत बड़ा पोजीशन है, तो और सर सबको लेके जाना पड़ता है, माँ को 5 बच्चे है, 4 बच्चे अलग अलग तरीके के रहते हैं, तो हमारा स्थान बहुत बड़ा है, हमको अगर कोई बोल भी दिए तो हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, कोई हमको बोल रहा है तो वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन को दूर करना हमारा जरूर है। और सर क्या मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे दोस्त सबसे पहले उन्होंने मेरे दोस्त है, कुछ होते हैं फिर उनका वादा भी है, सर आपका टिकट कन्फर्म होने के बाद मैं ज़रूर सपोर्ट करें, आपको सपोर्ट करूंगा, जो भी अच्छी न्यूज़ आपकी बताऊंगा बोल के उन्होंने बोले, मेरे से मुलाकात हुई है सर, वो तो अच्छे लोगों की न्यूज़ आएगी सर। वो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि आपने 7 महीने का बोला था सर। तो नहीं बोला, आप कोई अगर बोल रहा है तो वो बात गलत है, वो वीडियो चल रही है सर सोशल मीडिया पे, वीडियो गलत वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैं नहीं बोला बात वहाँ पे फोन भाई, वो इससे पहले वो वीडियो के बारे में बोला, हमारे नबी शाह बोले है उनको क्यों नहीं पूछे, बोल के पिछले साल जब नहीं तुम बोल रहे गलत, मैं पिछले बार भी इंटरव्यू हुआ मेरे से, उनको मालूम रखते हुए नबी साहब को कोई पूछ रहा नहीं, नबी साहब को कोई बात नहीं कर रहा, कोई किसी को हिम्मत नहीं है, उन्होंने भी बोले मेरे से पूछे नहीं कोई है तो मेरे को बात कर दो। आपने कहा सर क्या ये डालो सोशल मीडिया पे? मैं सोशल मीडिया पे क्या डालो बोला, वहाँ पे उस टाइम रात में 12 बजे ओपनिंग होने वाला था, जी सर लॉकडाउन का टाइम 12 बजे, कुछ लोग आके गड़बड़ कर रहे थे अभी खोलो बोल के, तो मैं बोला भाई हमारा जो स्टेटमेंट है जो DC जो बोला है रात में 12 बजे खुलता है बोल के 12 बजे की न्यूज़ डालो बोल के बोला, जी सर तो उसमें लोग उसको मिला रहे, मैं वो बात नहीं किया, तो नबी शाह खुद बोल रहा है मैं बोला हूँ बोल के, तो फिर मेरे को ला रहे लोग, आप देख लीजिए, मैं बोला तो बोला हूँ, गलती गया हूँ तो गलती किया हूँ बोलता हूँ, उसको कुछ सॉरी करना है तो सॉरी बोलता हूँ, मगर मैं नहीं बोला। सर जो CM आए थे सिद्धरामैया जी, उन्होंने कहा कि BJP गवर्नमेंट में आपको एक भी काम करने नहीं दिए, ना बोरवेल माने दिए, ना हॉजन का अलॉटमेंट हुआ। नहीं कुछ चीज़ें हैं जो करने नहीं दिए, जैसा गरीबों को खराब देने की स्कीम है, और दो तीन साल कोविड बोल के फंड रिलीज नहीं हुआ, ऐसे कुछ रीजंस है जो फंड रिलीज नहीं हुआ। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, सूर्यकांत साहब ने कहा है कि 100 बेड हॉस्पिटल उन्होंने उनकी अर्जी से लाए सर, आपकी नहीं, आप अगर कुछ एक परमिशन का भी अगर दिखाता ले तो उन्होंने मान जाती बोल के बोले। मैं विद डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देता हूँ 100% वो फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने जो बोल रहे हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल ही अलग है, उन्होंने 10 बेड का हॉस्पिटल उनका लेटर मतलब उसका वो गलत है सर। नहीं सुनो जी, मैं बोला ना फॉल्स है बोल के, जो उन्होंने बोल रहे ना वो लेटर 10 बेड का हॉस्पिटल है जी, 10 बेड का आज भी वहाँ 10 बेड ही हॉस्पिटल है, 10 बेड को 100 बेड करो बोल के दिए वो निकल आज से 11 साल पहले जी, और मैं आपको पूरा प्रूफ देता हूँ, CM सिद्धरामैया जी जब CM थे ना पर्टिकुलरली लेके आए मैं अंदर, नहीं तो उन्होंने वहाँ स्टेडियम में उद्घाटन कर रहे थे,
बहुत से कार्यक्रम उन्होंने स्टेडियम में 25 प्रोग्राम्स उद्घाटन करे थे। दो हॉस्पिटल को विजिट किया उन्होंने बीदर में, एक मेन हॉस्पिटल को फिर एक अंडर हॉस्पिटल को। जब कुछ हॉस्पिटल ही नहीं था, भूमि पूजा की। वो हॉस्पिटल जो है ना वुमेन्स एंड चाइल्ड, महिला का हॉस्पिटल है वो, इनो बोल रहे हैं दूसरा हॉस्पिटल। बहुत डिफरेंस है वो हॉस्पिटल जैसा। ट्रैफिक वुमेन्स ट्रैफिक अलग रहता है, मेन ट्रैफिक पुलिस स्टेशन। इसका ऑर्डर कॉपी दे रहा हूँ मैं आपको पूरा, मैं आप पूछती है बोल दे रहा हूँ जी। लेकिन मैं पूरों को बोला, दो चार प्रेस वाले पहले ही पूछे थे, तो मैं उनको बोला भाई पूरा ऑर्डर कॉपी दे रहा हूँ। सिद्धरामैया को उद्घाटन करा सो वीडियो भी रिलीज करता हूँ। ऐसा नहीं है भाई, मैं क्या बोलूँ, सूर्यकांत साहब कुछ चांद सूरज बोल के बोल रहे थे उनके कार्यकर्ता, मैं भी उनकी तारीफ करता हूँ अच्छे है बोल के। मगर अननेसरी हमारे को हमारे बारे में गलत सलत बोलना, हमारे को गिराने की कोशिश करना, मगर दुनिया जानती है अपने लीडर की बहुत तारीफ कर लेते हैं। हम भी उनको दुआएं देंगे, हम भी हमारा भी सपोर्ट है। कल मुझे सूर्यकांत साहब मुझे टोपी पीना है, हार डाले शाल डाले एक फंक्शन में, कल की वीडियो है देखो जी जी। हम ही दालो बोले तो बोले नको दालो, चलो तुमने को शाल भी पहनाए, तो हम अच्छे दोस्त है दोनों। बीच में लोग अनेसरी डिस्टर्बेंस कुछ तो लोग उसको क्रिएट करना चाहते हैं, मगर हमारे अब तक 15 साल में हमारे सूर्यकांत साहब के 5 इलेक्शन हो गए, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, होने भी नहीं देते। लीडर अपने फायदे के लिए पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सर 23 का जो इलेक्शन है उसके लिए लास्ट मैसेज स्पीकर के आवाम में, मैं सिर्फ दुआएं दियो बोल के आज भी मैं राम मंदिर पे ठहरा हूँ, और अभी आयशा मस्जिद में नमाज भी पढ़ा हूँ जी, नमाज पढ़ के इधर आया हूँ। तो लोगों को दुआएं दियो मेरे लिए, और अच्छा हम 15 साल में अच्छा काम किए हैं, कोई इधर में लड़ी झगड़ा अमीर गरीब या सच झूठ या किसी को, किसी बिजनेस वाले को, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट वाले को, किसी एरिया में कोई बदमाशी गुंडाइज्म ये सब बंद कर दिए। तो हमारे लिए दुआएं करे, हमारे लिए मदद करे लोग, बोलते मेरी पसंद।